भारत में दो तरह के दर्शक वर्ग माने जाते हैं। एक होते हैं मास, जो सिंगल स्क्रीन में मसाला फिल्म देखना पसंद करते हैं, उन्हें थोड़ा रोमांस, थोड़ी कॉमेडी और थोड़ी मार धाड़ चाहिए होते हैं। दूसरा वर्ग है क्लास, जो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखता है और उसकी पसंद थोड़ी हटके बनी फिल्मों में होती है। इस मास वर्ग के लिए रोहित शेट्टी सिम्बा लेकर आए हैं। वे मसाला फिल्म बनाने में माहिर माने जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के रूप में चुलबुल पांडे, जो कि दबंग में थे, और सिंघम, जो कि सिंघम में थे, काफी पसंद किए गए थे। इनको मिला जुला कर बनाया गया है सिम्बा। अनाथ बच्चा बचपन में देखता है कि माल कमाने के लिए पुलिस बनना होता है, तो वह पुलिस में शामिल होने का फैसला करता है। संग्राम भालेराव एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार करता है और अपना कर्तव्य नहीं निभाता। वह बाजीराव सिंघम के शहर का ही रहने वाला है। रानाडे और उसके भाई अवैध धंधों में लिप्त हैं और यह जानते हुए भी सिम्बा आंख बूंद कर बैठा रहता है। अचानक ऐसी घटना घटती है जो सिम्बा को हिला देती है। उसका जमीर जाग जाता है, उसे अपने भ्रष्ट होने पर शर्म आती है। वह रानाडे और उसके भाइयों से सीधा भिड़ जाता है। 2015 में प्रदर्शित हिट तेलुगु फिल्म टेम्पर से सिम्बा प्रेरित है, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। फिल्म की कहानी रूटीन है और उसमें बहुत ज्यादा नई बात नहीं है। इस कहानी को निर्भया मामले से जोड़कर रियलिटी का टच देने की कोशिश की गई है। फिल्म इस बात का मुद्दा जोर शोर से उठाती है कि भारत में बलात्कार की समस्या भयावह रूप ले रही है। बलात्कारियों को सजा मिलने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है और कई तो सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। फिल्म जो हल सुझाती है वो वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी इसी तरह का इंसाफ चाहता है और इसलिए यह फिल्म उसे अपील करती है। रोहित शेट्टी ने इसे अपने अंदाज में बनाया है। चटक रंग, लाउड कैरेक्टर के साथ पहला हाफ हल्का फुल्का और दूसरे हाफ में एक्शन और तनाव। उन्होंने सिंघम के साथ फिल्म को अच्छे से जोड़ा है और अजय देवगन का बहुत बढ़िया उपयोग किया है। कॉमेडी और एक्शन का संतुलन सही रखा है। इस बार उनकी फिल्म में महिला पात्रों को भी महत्वपूर्ण जगह मिली है। रोहित अपनी फिल्म में कहानी से ज्यादा किरदार पर ध्यान देते हैं। गोलमाल और सिंघम की कहानी याद हो न हो, लेकिन उनके कैरेक्टर हमें अभी तक याद हैं। इसी तरह की मेहनत उन्होंने सिम्बा के कैरेक्टर को निखारने में की है। सिम्बा का छिछोरापन और बात को गंभीरता से नहीं लेने वाली बात उन्होंने खूब उभारी है। सिम्बा के कैरेक्टर से दर्शक प्यार करने लगते हैं और यहीं पर बाजी रोहित जीत लेते हैं। स्लो मोशन शॉट्स के जरिए उन्होंने सिम्बा के किरदार को लार्जर देन लाइफ बनाया है। जहां तक स्क्रिप्ट की बात है तो यह यूनुस सजवल की थोड़ी मेहनत और मांगती थी, खास तौर पर दूसरे हाफ में जब ड्रामा हावी होता है। कोर्टरूम ड्रामा कमजोर है और कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। कुछ बातें अच्छी भी है, खास तौर पर सिम्बा और मोहिले के बीच सैल्यूट को लेकर तनातनी वाला सीक्वेंस। रणवीर सिंह सिम्बा के रूप में प्रभावित करते हैं। अपनी एक्टिंग और एनर्जी लेवल से वे दर्शकों को बांध कर रखते हैं और उनके होते हुए फिल्म की कमियों पर ध्यान नहीं जाता। अपने किरदार को उन्होंने खासा फनी बनाया है। इमोशनल और एक्शन दृश्यों में वे विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। सारा अली खान के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन वे अपनी नेचुरल एक्टिंग और आत्मविश्वास से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराती हैं। सोनू सूद विलेन के रूप में अपना असर छोड़ते हैं और सिम्बा को जोरदार टक्कर देते हैं। आशुतोष राणा का अभिनय भी देखने लायक है। गीत संगीत के मामले में फिल्म कंगाल है। नया नहीं सूझा तो पुराने हिट गानों से काम चलाया गया। गीत की सिचुएशन भी ठीक से नहीं बनाई गई और ये सिर्फ इसलिए रखे गए क्योंकि फिल्म में गाने होने चाहिए। सिनेमाटोग्राफी औसत से बेहतर है। एक्शन और अच्छा हो सकता था। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की अपील को बढ़ाता है। मसाला फिल्म बहुत दिनों से नहीं देखी हो तो सिम्बा को एक मौका दिया जा सकता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।